हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। सो आज मैंने स्केल वन का मीन्स का मॉक नंबर जो है वो मॉक नंबर 7 दिया था। तो चलिए देखते हैं कि क्या कैसा रहा। तो स्कोर की बात करें तो यहाँ पे टोटल स्कोर जो बना वो 87.94, परसेंटाइल 85.77, रैंक आप लोग देख सकते हैं 248। और क्वेश्चन की बात करें ओवरऑल तो मैंने 127 अटेम्प्ट किए थे, 92 जो है सही गए, 35 रॉन्ग हो गए। और अब सेक्शनल वाइज देख लेते हैं तो रीजनिंग में मैंने टोटल जो है 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें से 2 रॉन्ग हो गए हैं। और जो मेरा स्कोर रीजनिंग में बना है वो 33.13, एवरेज और रीजनिंग का स्कोर था 18.51 था और टॉपर ने जो है वो 46.88 स्कोर किया है रीजनिंग में, मतलब कि पेपर रीजी था। और उसके बाद कंप्यूटर में मैंने टोटल जो है 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 11 सही गए हैं, 13 गलत हो गए हैं। और मेरा स्कोर बना 3.88 और जो एवरेज का स्कोर था 3.01 था और जो टॉपर था उसका 5.88 स्कोर था। उसके बाद जीए की बात करते हैं तो जीए मैंने 25 अटेम्प्ट किया था और 13 सही गए, 12 मेरे गलत हो गए। और मेरा स्कोर जो बना है वो 10 नंबर और जो एवरेज स्कोर जीए का था वो 8.84 था। टॉपर के 20 मार्क्स थे। अब इंग्लिश नहीं, हिंदी मैंने बनाया था तो हिंदी में मैंने 40 out of 40 अटेम्प्ट किया था जिसमें से 33 जो है वो सही गए, 7 मेरे रॉन्ग हो गए। और स्कोर मेरा बना हिंदी में 31.25 और एवरेज जो हिंदी का स्कोर था वो 5.21 था। टॉपर ने 32.50 स्कोर किया था। अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मैंने टोटल 9 अटेम्प्ट किए थे, 1 रॉन्ग हो गया और मेरे जो स्कोर बने हैं 9.69। जो मैथ्स का एवरेज स्कोर था वो था 8.3 और टॉपर ने 34.06 स्कोर किया था। तो ये था ओवरऑल। और आज की मॉक की बात करें तो रीजनिंग मुझे ठीक लगा, इजी मोड पे बोल सकते हैं। मैथ्स भी मॉडरेट था और बाकी कंप्यूटर का आप लोग बताइएगा, मुझे कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे। तो क्या इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक्चुअल एग्ज़ाम में आते हैं? प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरीके का क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है कंप्यूटर में, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बाकी आपका कितना स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।